नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सियासी जंग के बीच राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। बीते गुरुवार को प्रियंका गांधी कर्नाटक के हुबली से जयपुर पहुंची। इसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए वे सवाई माधोपुर पहुंची। प्रियंका यहाँ रणथंभौर स्थित 5 सितारा होटल में ठहरी हुई है और 7 मई तक यहीं रुकेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त सियासी घमासान चल रहा है। सचिन पायलट और गहलोत में कुर्सी की जंग हो रही है। इस बीच प्रियंका गांधी का राजस्थान में आना कई कुछ संकेत तो नहीं दे रहा। हालांकि प्रियंका का यह दौरा व्यक्तिगत और निजी बताया जा रहा है और जब भी प्रियंका रणथंभौर आई है वो किसी भी नेता से मिली नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन अभी राजस्थान में बनी हुई है उससे प्रियंका भी परेशान होगी। कांग्रेस पार्टी के 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता और उनका खेमा लगातार आपसी बयानबाजी कर रहा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खास नेता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है उस पर राहुल प्रियंका की नजर होगी ही। राजस्थान में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और पिछले 6 महीनों में प्रियंका का राजस्थान में ये 3रा दौरा है। बता दें कि आज पायलट खेमा राजस्थान में बहुत बड़ी सभा करने जा रहा है। मारवाड़ जो कि अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है वहां पायलट खेमा दौरा कर और अपनी बड़ी सभा करके क्या संकेत देना चाहता है। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के राजस्थान में होते हुए पायलट खेमा अपनी ताकत दिखा रहा है। सचिन पायलट बाड़मेर पहुंच चुके हैं और वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद उठा रही है, लुत्फ उठा रही है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निजी कार्यक्रम के तहत रणथंभौर के दौरे पर आई है। वे यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे क्षेत्र स्थित होटल शेर बाग में रुकी हुई है। उनके साथ परिवार के कुछ सदस्य भी हैं। अब देखना यह होता है कि पायलट खेमा फिर से वही तेवर दिखाता है जो काफी दिनों से दिखाता आ रहा है या नहीं। अगर दिखाता है तो साफ संकेत जाएगा कि आलाकमान पायलट को लेकर जल्द ही कुछ फैसला करे। देखते हैं द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।